ऐसी कहानी लिख रहा हूँ अबकी बार के सारा हिंदुस्तान याद करेगा। मजदूर की दुनिया। बस बस रहने दो, मैं सब जानती हूँ। खामखा कागज काले करते रहते हो, छपी आज तक एक भी नहीं। छपेंगी भाभी, जरूर छपेंगी। अबकी बार चार कहानियाँ भेजी हैं, चार, और चारों की चारों नहीं छपी ना तब कहना तो मुझे। छोटे सरकार आपकी दाद छप गई भाभी, छप गई। कहानी वापस। ये भी वापस। कहानी में असलियत नहीं, मैं लेखक नहीं बन सकता। असलियत नहीं मेरी कहानी। मैं तो कितने दिनों से कह रही हूँ कि तुम लेखक नहीं बन सकते हो। अब इस मजाक को छोड़, बीए पास कर चुके हो, अपने भैया के साथ जागीरदारी का काम संभालो। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, तुम्हें कहानियाँ लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाभी, बहुत सख्त जरूरत है। मेरी अंदरूनी तड़प, मेरी भावनाओं को जरूरत है, और वो बात इन बड़ी बड़ी हवेलियों में रहकर पैदा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी ब्रीड्स डिग्रेडेशन। गुरुदेव, मैं मजदूरी करूंगा, मैं अपने पांव पर खुद खड़ा होऊंगा। मुझे पिताजी की जागीर नहीं चाहिए। और भाभी, भैया से कह देना कि मेरा जितना हिस्सा है वो खुद ले ले। मैं जिंदगी की किताब से सीखकर फिर कहानियां लिखूंगा। मैं गरीबों के साथ रहूंगा, उनके साथ उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सब, ये दौलत, ये पैसे। रखिए यहाँ, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। एक ना एक दिन जरूर वापस आऊंगा। भैया जब कलकत्ता से आ जाए ना, मेरी राम नाम कहना। तो कंडक्टरों की जरूरत है, मैट्रिक पास होना चाहिए। आओ।
प्लीज। टिकट एयर किया सर। शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। सॉरी सर, हम थोड़ा सो गया था, बहुत थक गया है। अयो रामा, गजब हो गया जे, हमारा कोई पैकेट मार दिया, अब क्या होएगा? आओनी जी। आया? आओनी जी। हाँ जे, अच्छा जे। अगले स्टॉप पे आप उतर जाइए। अच्छा। साहब, हम बहुत थक गए जी, हमको चलने को नहीं होता, हमको गाना आता जी, हम गाना गा के टिकट के वास्ते दो चार आना मांगना। बम्बई में बहुत दिन हो गया जी, नौकरी नहीं मिला, हम सबका दरवाजा खटखटाया, सब बोलता चला जाओ, निकल जाओ, पौड़ा पौड़ा। बम्बई में क्या एक बाबा, एक मिनट वो समझा दो, मतलब एक सेकंड भैया, एक सेकंड ना, बम्बई में क्या हिंदुस्तान के हर शहर में हालत, कहीं नौकरी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। प्लीज यू हेल्प मी, हमको मत निकाला जी। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो अपने बस कंडक्टर हूँ ना, मैं अपनी नौकरी पूरी करूँगा, फर्ज पूरा करूँगा। अच्छा साहब, सब अपना अपना फर्ज पूरा करता है, लेकिन जो इंसानियत का फर्ज है वो कोई पूरा नहीं करता। थैंक यू मिस्टर, होप टू सी यू अगेन। चेंज पोक लीजिए। लक्ष्मण, अरे चुप मारो ना जरा, तो बाय बाय, बैठो ना बाबा, क्या है, चलता है बाबा, टिकट लेता है ना। राम राम मिस्टर, तुम ये दुआना का टिकट देके श्याम सुंदर को खरीद लिया जी। दो हजार टन सीमेंट जी हाँ, और ये क्या है? ये जी 5,000 रुई की गांठें हैं। जगदीश जी, आज से तुम इस ऑफिस के जनरल मैनेजर, योर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। थैंक यू। और हमारी तरफ से तुम 20,000 रुपए तक के चेक साइन कर सकते हो, योर पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सेठ जी, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं जिम्मेदारी को निभा सकूं। ये तो सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा सेठ जी, मुझे यकीन नहीं था कि मैं आपके इस कदर करीब आ जाऊंगा। जगदीश, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे और भी करीब आ जाओ और जिंदगी भर करीब रहो। विश द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। बेटा जगदीश, कौन है आप? बैठिए, तशरीफ रखिए। बिचारी राधा तुम्हारे वियोग में गुलती जा रही है। राधा? कौन राधा है? अरे कुंदन, देखो मेहमान के लिए कुछ चाय है, बिस्कुट वगैरह का इंतजाम तो करो। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते बुजुर्ग, नमस्ते नमस्ते। मैं अभी आपके लिए देखिए दाल मोट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सबका बंदोबस्त करता हूँ। चाय का बैठिया, बैठिए, केवल आप बैठिए। ओ केवल, धन्यवाद धन्यवाद, जीते रहो बेटा, जीते रहो। मगर मैं तुम्हारे घर का कैसे खा सकता हूँ? क्यों, ऐसी क्या बात है? राधा तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? हाँ हाँ, और मेरी बेटी है ना। आपकी बेटी? हाँ। देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, अभी चाय आती है, पीकर होश आने के बाद बात कीजिए। बैठिए, जरा सुनिए तो, क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुम्हारे पिता का नाम बिहारी लाल है? मेरे पिताजी को तो स्वर्गवास हुए आज 20 वर्ष हो चुके हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं अभी अभी गांव में उनसे मिलकर आया हूं, तुम्हारा पता उन्होंने ही मुझे दिया है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? हाँ, मेरी शक्ल से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन मेरी नहीं है। देखिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं, नहीं तो मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूंगा। बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं तुम्हारे सेठ से मिलूंगा। जरूर, बड़े शौक से। उनसे सवाल करूंगा जितने जी चाहिए। जगदीश जगदीश, राधा को यूं न ठुकराओ। आप मेहरबानी करके यहां से चले जाइए, नहीं तो मुझे जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। जगदीश जगदीश, वो देवी है, उसकी आह न लो। निकल जाओ। उसकी आह न लो, उसकी आह न लो, आह न लो, आह न लो। राधा राधा,
राधा राधा हो गया बॉस। अंग्रेजी और हिंदी तो आती होगी जी। तो देखिए लिखा है वहाँ कि बस में बैठने से पहले अपने साथ चिल्लर जरूर रखिए। कोई बात नहीं, आंदा जब आप आएंगे उसमें तब मुझे लौटा दीजिए। अच्छा।
आशा बेटी, तुम सोई नहीं अभी तक? मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। पिताजी, समझ में नहीं आता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। मैं अपना बैग बस में कैसे भूल आई। उसमें मोतियों का हार था, सोने की चूड़ियां और आपकी अंगूठी। तकरीबन 20,000 रुपए का माल था। परेशान ना हो बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा बैग मिल जाएगा। आप मुझे छोटी तसल्ली क्यों दे रहे हैं? तकरीबन 20,000 रुपए का माल था। परेशान ना हो बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा बैग मिल जाएगा। आप मुझे छोटी तसल्ली क्यों दे रहे हैं? पैसे लाए आप? देखो जी, आज हम दोनों साथ में लेके आए। बस आपका, थैंक यू जी। सॉरी मैडम, बैठो जी बैठो। वो कर वो कर हैं बाप रे, ये जो माता का कुछ है। व्हाट आर यू डूइंग? आई नो इंग्लिश मिस्टर, डोंट टॉक इंग्लिश। हेलो, श्याम सुंदरन जी, क्या हाल है? ओहो, कहाँ जा रहे हैं? बंगले को जाएंगे। कौन सा बंगला जी? अयो, तुम नहीं जानता जी, तुम्हारा हम एक ही चाली में रहता ना। चिंचपोकली? आमा, तुम्हारा रूम का नंबर है 20 और हमारा रूम का नंबर है 420। नमस्ते, आप कहाँ जाएंगे? लाल बाग। काम क्या करते हैं आप? अजी, हम पाँव का हरकत करता ना, पाँव का। वो क्या होता? अयो, देखो जी, उंगली से टिप टिप करता ना उन्हें टाइपिस्ट, और फाउंटेन पेन से लिखता उन्हें कलर है, और जो कैंची से काटता उन्हें अजम, और हम पाँव का हरकत करता और नटराजम जी नृत्य। अयो, छी डांसर बोल के हमारा कला का तुमने इंसल्ट कर दिया। डांसर होगा कोई अंग्रेज, हम तो नटराजम है जी। वाह, कमाल कर दिया, अब तुम जरूर चमकेंगी। अरे हाँ, आज मैं एक फिल्म कंपनी में गई। अरे जो रामा सत्यानाश, अजी तुम फिल्म कंपनी में मत जाओ जे। क्यों? अरे पूछता है क्यों, तुम चौकरी है कि टोकरी है? अजी, बगैर बुलाने से फिल्म कंपनी में जाएगा तो अपना कला का कदर नहीं होएगा। वो फिल्म कंपनी वाला लोग अपने को बुलाना मांगता मोटर बेच के, फिर अपना आर्ट का कदर होएगा, समझे? अयो, अब ये सबक तुम मत भूलो जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you.
आओ बेटा, तुम्हारा बैग मिल गया। हार, चूड़ियां, आपकी अंगूठी। पिताजी, ये तो कोई बहुत ईमानदार आदमी मालूम होता है, सब चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। और मैं क्या कहता था? सेठ जी, आपसे दीपक नाम का कोई बस कंडक्टर मिलने आया है, उसके पास आपकी चिट्ठी भी है। ओ, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, आप उसे यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते? नहीं नहीं बेटा, मैं उस ईमानदार बस कंडक्टर को सबके सामने मिलना चाहता हूँ। अच्छा। चलिए पिताजी। चलो। यही वो ईमानदार बस कंडक्टर है। आशा, चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है दीपक। मिस डिसूजा, मिस्टर जोशी, मिस्टर कुमार, चलो यहाँ भाई। बेटा, ये वही ईमानदार शख्स है जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे जेवरात वापस मिले। दुनिया में ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जी, मुझे तुमसे मिलकर इतनी खुशी हुई है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आओ मेरे साथ आओ। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, मगर पिताजी ने कहा कि जिंदगी में उम्मीद सूरज की किरणों की तरह एक किरण है। जिंदगी की बड़ी से बड़ी उलझन उम्मीद से बनी है, जिसे इंसान सच्चाई से सुलझा सकता है। सेठ जी ने ठीक कहा है, उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीद ना हो तो आदमी काम ही क्या कर सकता है। उम्मीद होती है तो आदमी काम करता है, तरक्की होती है उसे। तुम सच कहते हो, सच्चाई दुनिया में अब भी है और हमेशा रहेगी। अगर ईमानदारी दुनिया से निकल जाए तो यह दुनिया ही खत्म हो जाए। गुनाहगार का अंजाम बहुत बुरा होता है। वाह वाह मास्टर जी, वाह वाह। कंचन ने तो कितना अच्छा डांस सीखा। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा अच्छा समय बना था, मैं तो सचमुच वृंदावन पहुंच गया। आइए, मजा आ गया। थैंक यू जी। ये तो सब हमारे मास्टर जी की मेहरबानी है। ऐसा मत बोला जी, जितना मेहनत से हमें तुमको सिखाता है, तुम भी उतना मेहनत से सीखता ना जी। अयो, हम भी पागल हो गया, तुमको किधर साथ लेके जाता है। हमारा दोस्त दीपक आ गया जी, उसका पास में। समझ गया जी, उसका पास में। अभी अयो 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 अयो, हाथ छोड़ो ना जी। दीपक भैया, दीपक भैया, आज तुम्हें बहुत खुश है नहीं? सेठ जी तुमको बहुत माल दिया होगा नहीं? दीपक भैया, आज थोड़ा सा हमको भी खुश कर दिया जी। सेठ जी ने मुझे ईमानदार और सच्चा आदमी कहा। ये राम लक्ष्मण है, उसके बाद थैंक यू बोला। सेठ जी बहुत अच्छा आदमी है। वो हम जानता है, तुमको खाली हाथ भेज दिया होगा मेरा फिलासफर दोस्त, अब हमको भी खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। राम, मेरे गड़े पसीने की कमाई। ये राम है, एक रुपया गाड़े पसीने की कमाई। हमारा दोस्त फिलासफर, हम बड़ा फिलासफर, अभी चौकरी को एक रुपया देगा, बोलेगा गाड़े पसीने की कमाई। थैंक यू। और बाकी अजी, तुम पहला नीचे बैठो जी, पेड़ बताता जी, बैठा। ये देखो, यही सवाल मुझसे किया, सेम क्वेश्चन,
वो आम को बोला आम बख्शीश नहीं लिया, सच्ची कमाई वो जो मेहनत से कमाएगी। अरे दीपक भी हमारा जैसा फिलोसोफर है, बहुत बड़ा फिलोसोफर, वेल एजुकेटेड मैन। और क्या, हम उसका हाथ अपना हाथ में लिया। ये क्या हो रहा है? निकल जा यहाँ से। अम्मा मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। अम्मा ये मेहनत का कमाई के ये खैर तू? मेरे काम मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, निकल जा यहाँ से। अम्मा देखा भाई जाता जी जाता जी तू कहाँ चली मेरी चमक? अरे जो लग गया होंगे जी। अरे बच्चे कृष्ण दीवानी क्यों बतलाए, कृष्ण
प्यारी क्यों, राधा की पायल कन्हैया की मुरली, राधा की पायल कन्हैया की मुरली, सपनों में सुनी मैंने, सपनों में सुनी, सपनों में सुनी राधा की पायल कन्हैया की मुरली, राधा की पायल। आप देख रही थी, मैं फुटबॉल खेलता पढ़ने रही जी, मैं पढ़ भी रही थी और देख भी रही थी। पापा पढ़ भी रही थी, मुझे देख भी रही थी फुटबॉल खेल, मैं भी फुटबॉल भी खेल रहा था, देख भी रहा। अच्छा, तो फुटबॉल बहुत अच्छा है, आप खेली हुई फुटबॉल? जी हाँ, स्कूल के जमाने में खेला करती थी। अभी खेलेंगे जी, एक क्रिकेट कितना अच्छा देना, संडे का भी देना, छुट्टी का भी देना, खेलेंगे चलिए। टकरा गया एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं मुझसे दिल टकरा गया, नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं घबरा गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं मुझसे दिल टकरा गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं अचानक भाग गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं मुझसे दिल टकरा गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं से मैं
साया जो शर्मा गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं मुझसे दिल टकरा गया, एक नयापन जिंदगी में आ गया, दिल से मैं दीपक एक ईमानदार लड़का है और बेटा दुनिया में ईमानदार आदमी ही तरक्की करता है। जी हाँ पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। जी वो तो सिर्फ एक बस कंडक्टर है। तो क्या हुआ बेटी, जानती हो जब मैं जवान था तो गाड़ी में गा गा कर टॉफी बेचा करता था। आप पिताजी? हाँ हाँ मैं ये दुनिया है बेटा, मुझे इस बात पे अब भी फख्र है। वो गाने मुझे अब भी याद है, कह दो तो सुना दो। जी नहीं। जब कोई चीज बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाए तो उसे रास्ते से हटा देना ही अकलमंदी है। सेठ और आशा उस बस कंडक्टर के गुण गाने लगे हैं, आज तारीफें हो रही हैं, कल को दावतें होंगी और हो सकता है एक दिन बुढ़े का दिमाग फिर जाए और वो आशा की शादी, शादी आशा की शादी उस बस कंडक्टर के साथ। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं आशा की शादी उस बस कंडक्टर से नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यस बॉस। कल की सुबह सेठ की आखिरी सुबह होनी चाहिए बुंदन। जी जरा सुनो और समझ लो, ये हुआ सेठ का बंगला और ये रही उसकी मोटर। हमारी लारी वहां से करीब 2 फरलांग के फासले पर ऐश लेन के मोड़ पर खड़ी रहेगी, समझे? यस बॉस। हर रोज ठीक 10 बजे बुढ़े की गाड़ी अपने बंगले से रवाना होती है। गाड़ी चलती हुई 10:15 या 10:20 पर उस मोड़ पर पहुंचेगी और फिर हमारी लारी से बिटिया रानी, अरे मैं दबा गया बिटिया रानी। क्या हुआ रानी? सेठ जी की गाड़ी उलट गई। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ पिताजी को? पिताजी जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। वालों का इंतजाम कर दीजिए। पिताजी पिताजी डॉक्टर बुलाए थे? डॉक्टर बुलाए? जी जल्दी जल्दी बुलाइए। मेहरबानी करके जल्दी आइए। जी मुझे कुछ मालूम नहीं लेकिन हालत बहुत खराब है, आप मेहरबानी करके जल्दी आइए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, हर एक मिनट बहुत बहुत कीमती है। जी इज इन कंप्लीट मेंटल कोमा। जी हाँ बेहोश, नर्स बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जी जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नर्स, मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर बिली मुरिया और डॉक्टर कपूर को बुलवाइएगा। नक्शा कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं कोई ऐसी खतरे की बात नहीं। आप फोन करके उन्हें बुला लीजिए, मुझे ड्यूटी पे जाना है। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी कैसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर साहब। तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, मेरी बात मानो, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। और यहाँ बैठो, आंखें बंद करो आशा, आंखें बंद करो भगवान से प्रार्थना करो। पूजा में बहुत शक्ति होती है आशा, पूजा में बहुत शक्ति होती है। आंखें बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे पिताजी जरूर ठीक हो जाएंगे आशा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम को जरूर आओ, तुम पूजा करते रहो, तुम्हारे पिताजी जरूर ठीक हो जाए।
क्या हुआ सेठ जी को? बहुत गहरी चोट लगी है। सुना है कि गाड़ी बहुत बुरी तरह उल्टी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सेठ जी बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता, लुट जाता, बर्बाद हो जाता। आशा जी, आप हिम्मत रखिए, हौसला ना हारिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कंचन का माँ वो फ्रंटियर मेल है, अजय कंचन को बाहर नहीं आने देता, हमको घर में नहीं जाने देता, यानी दोनों के वास्ते में दरवाजा बंद। अब तुम बताओ ये जुलम नहीं तो और क्या है जी? बड़ा बड़ा पोएट, बड़ा बड़ा शायर, माँ का वास्ते में बहुत अच्छा अच्छा बात लिखा। माँ का दिल, माँ का ममता, माँ का प्यार, माँ का तड़प। लेकिन हम बोलता ये सब शायर लोग कंचन का माँ को नहीं देता, नहीं तो ऐसा नहीं लिखता। फिर लिखता क्या मालूम? माँ का गुस्सा, माँ का जोता, माँ का गाली, माँ का चालू 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 माँ का चालू। मामा मारो मत, देखो मामा मारो। आप आगे कैसे तबीयत? अब ठीक है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। बाबू जी, आज तुमने जिस तरह सेठ जी की जान बचाई उससे लगता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे और होशियार आदमी हो। मैं नहीं रहा हूँ, बस यही थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख ले। नहीं बाबू जी, बहुत पढ़े लिखे और गुनी आदमी हो। पढ़े लिखे बस कंडक्टर की नौकरी नहीं करते, या मुझे पहले ही बता चुके हैं। और तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अभी भी कोई जवाब नहीं दू। सिर्फ इतना कहूंगा जगदीश साहब, ये जो काम है ना बस कंडक्टर का, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम। आई जस्ट लव माई प्रोफेशन। चंद एक अंग्रेजी के फिक्रे खूब याद कर रखे हैं। जी हाँ, बसों में अंग्रेजी जानने वाले बहुत से लोग घूमते हैं, आप जैसे लोगों से सीख लिया कुछ थोड़ा बहुत। बाबू जी चाय लाया हूँ। जरूर पीऊंगा रामू चाचा, जरूर पीऊंगा। चले रामू, मैं बनाती। आपने जो प्रार्थना करने के लिए कहा था ना, क्या प्रार्थना की बताऊँ आपको? नहीं। क्यों? भक्त और भगवान के बीच जो बातें होती है ना, उसे जानने का किसी को नहीं। मैं चाय बनाती। बिटिया रानी, आई एम सॉरी। ठीक है, सब ठीक है। आशा देवी का एक मामूली से बस कंडक्टर के साथ इस तरह घुल मिल के बातें करना सेठ जी को कभी पसंद नहीं आएगा। लेकिन जगदीश बाबू, आदमी पढ़ा लिखा है और फिर उसने सेठ जी की जान भी बचाई है। ओ, तो यानी एहसान से दबी हुई है। Thank you.
है प्यार का, आ गया है वक्त अब बहार का, होए होए जिंदगी में, हाय हाय जिंदगी में। दिल पे हाय खा गए बन के कसम दिल में सनम ना गए, तेरे नजर दिल पे हाय खा गए, क्या नया अंदाज है सरकार का, आ गया है वक्त अब बहार का, होए होए जिंदगी में, हाय हाय जिंदगी में। तेरी चाह में देख रिसैया छोड़ ना देना राह में, भूल गए हम दुनिया तेरी चाह में, हम तो चले झूम के धरती कहे आसमां को झूम के, दुनिया जले हम तो चले झूम के धरती कहे आसमां को झूम के, ऐसे करो नाम ऊंचा प्यार का, आ गया है वक्त अब बहार का, जिंदगी में रंग भरा है प्यार का, आ गया है वक्त अब बहार का, होए होए जिंदगी में, हाय हाय जिंदगी में। जितने सपने थे ना मेरे, ऐसा लग रहा है सब पूरे हो जाएंगे। अरे ये क्या किया तुमने? ये हमारे प्यार की निशानी है, जानती हो, इसे आधा तुम रखो और आधा मैं। ये भी ठीक, वो शादी के बाद जोड़ लेंगे सर। एक बात कौन में कहता अब तो तुम अपने आप को सेठ जी के घर में मेहमान ही समझो। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। मेरी मानो तो बिस्तर बोरिया बांधना शुरू कर दो और जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। चुप रहो, शट अप। चुप रहूं? आजकल दीपक और आशा हर रोज एक दूसरे से इस तरह मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे के हो चुके हैं। मेरी इन आंखों ने जो कुछ देखा है और कानों ने जो कुछ सुना है। क्या सुना है? सुन न सकोगे बस। कुंदन, आज ही एक मफलर के दो टुकड़े किए गए
एक श्रीमती जी ने खुद रख लिया और एक श्रीमान जी को दे दिया। मफलर के दो टुकड़े, श्रीमती श्रीमान, यानी कि आशा ने अपनी मोहब्बत की निशानी अपने प्यारे प्यारे दीपक को दे दी। मैं इस मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सोच रहा हूं। सोचने से काम नहीं चलेगा, बस कुछ करो। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, बहुत से लोग जमा हैं, बैंड बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं और सामने से घोड़े पर सजा हुआ दूल्हा आ रहा है। वो आप नहीं है, वो बस कंडक्टर दीपक है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ घूर घूर के मत देखो बॉस, जो कुछ करना है जल्दी करो। कुंदन, वो मफलर जो आशा ने दीपक को दिया है मुझे ला दो। उससे क्या होगा? एक बार वो टुकड़ा तुम मुझे ला दो, फिर जगदीश की चाल देखना कुंदन। मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा आशा। मैंने ये बात कभी नहीं सोची कि मेरी यहां तुमसे मुलाकात होगी और मैं इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा। कमरे में कौन आया था? मैंने किसी को आते नहीं देखा। जरूर कोई आया होगा। मुझे होश नहीं था, इस वक्त भी मेरी आंखें बंद हो रही। सेठ जी, कुछ समझ में नहीं आता कौन आया, कहां से आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको बाल बाल बचा लिया। आशा देवी, आप बता सकती हैं कि वो कहां से भागा था? जी, वहां से। सिर्फ इतना ही याद है, मैंने पानी पिया और मेरी आंखें बंद होने शुरू हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये मफलर मुझे बैल्कनी में मिला। आशा देवी, आप भी देख लीजिए। आप मुझे वो जगह बताइए, हो सकता है वहां फिंगरप्रिंट्स मिले। जी हाँ, तशरीफ लाइए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, जाहिर है कि ये मफलर उसी आदमी का है जो खंजर लेकर आया था। जी नहीं, ये मफलर मेरा है। आपका? जी। एक बार फिर सोच लीजिए कि ये आप ही का है। मैंने खूब सोच समझ कर जवाब दिया है आपको। सेठ जी की जिंदगी कितनी प्यारी है। ये आप मुझसे कह रही हैं? आप क्या जाने कि एक लड़की को अपने बाप से कितना प्यार होता है। मिस्टर जगदीश, हम बयानात ले चुके, अब हम जाते हैं। अच्छी बात है, थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट।
दीपक को दिया था। नहीं नहीं, दीपक ऐसा नहीं कर सकता, दीपक ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तुम भी पूजा करो। क्या हुआ दीपक? मैं भी कितनी पागल हूं कि मैंने तुम पर शक किया। मेरी दी हुई निशानी तुमने पूजा की जगह रखी है। लेकिन बात क्या है? कल रात कोई पिताजी को कत्ल करने आया था और पुलिस को इसी तरह का एक टुकड़ा वहां मिला। और तो और मैं भी यही समझी कि तुम नहीं 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 दीपक नहीं। अब मैं साबित कर सकती हूँ कि तुम वो नहीं हो दीपक, तुम वो नहीं हो। मत जाओ जी, उन्हें पूजा करते ना राम लक्ष्मण हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। थोड़ी देर के लिए तो रात मैं भी घबरा गई थी, मेरा विश्वास डगमगा गया था। शक कितनी बुरी चीज होती है पिताजी, अब तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, मेरा दिल तो पहले ही गवाही देता था कि दीपक कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये जरूर किसी की शरारत है। शरारत नहीं, बगावत है। क्या आप जानते हैं कि वो बागी कौन है? जी जी नहीं, कौन हो सकता है वो? पिताजी, एक ऐसा आदमी जो हमारे घर को सुखी नहीं देखना चाहता। मगर बेटा, ऐसा कौन सा आदमी है जो हमें बर्बाद करने पर तुला है? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने अपने हाथ से उसे 500 रुपए दिए हैं, उसने अपने हाथ से 500 रुपए लिए हैं। तो फिर ये कैसे हुआ? किसने दगा दिया? किसकी साजिश है ये? डार्लिंग फ्रेंड, 500 रुपया बहुत बड़ा चीज है। वो आदमी हमको बोला ए तुम वो मफलर हमको लाके दो, हम तुमको 500 रुपया देगा। अये राम, हाँ तुम हमारा तरफ ऐसा मत देखो जे, हम सब समझता। तुम ये बोलना मांगता तुमको एक दोस्त से ऐसा उम्मीद नहीं था है? लेकिन वो आदमी कौन था ये तो हम नहीं जानता। काहे को वो अंधेरे में खड़ा था, हमसे जरा जाती काला था इसलिए नहीं दिखा। लेकिन उसका हाथ में 250 रुपया एडवांस का था। हम रुपया जास्ती देखा, आदमी काम देखा। अयो रामा, अयो दीपक भैया, आपका टोपी का कसम, हम सब बात सच्ची सच्ची बताएगा। हम रुपया ले लिया और तुम्हारा पेटी में से मफलर निकाल लिया, लेकिन उसको नहीं दिया। श्याम सुंदर हम सब कुछ कर सकता है, अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। हम सीधा मार्केट गया, डुप्लीकेट मफलर लिया, आधा टुकड़ा उसको दे दिया, बस फिनिश। दीपक भैया हम प्रॉमिस करता है, अब हम कभी ऐसा नहीं करेगा। हमको माफ कर दो ना जे। माफ कर दिया। धाधिंता धिट धाधिंता तिट कते गदे गिन धिट धिटता धिटता धाधा गिन धिटता धिटता कृदतान धा धिटता कृदतान धा धिटता कृदतान धा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ डार्लिंग। क्या स्कीम नंबर 3 के अलावा और कोई चारा नहीं? अगर हो सकता तो मैं तुम्हें स्कीम के लिए कभी मजबूर नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जिस लड़की ने सिवाय आपके आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, वो एक गैर आदमी से कैसे प्यार कर सकती है? प्यार नहीं,
प्यार का ढोंग कहो। प्यार का ढोंग रह जाना, प्यार की तोहीन करना है। आदमी बेशक प्यार को खिलौना समझे, लेकिन औरत जिसे एक बार प्यार करती है सारी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर देती है। मैंने भी आपसे प्यार किया है, भगवान के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझसे नहीं हो सकेगा, चाहने पर भी नहीं हो सकेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। बाप और बेटी के दिल में दीपक के लिए शक पैदा हो चुका है, उस शक को यकीन में बदलने के लिए काश टीम नंबर 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये क्या किया आपने? तजुर्बा। अब स्कीम नंबर 3 के लिए तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वादा कर चुका हूं, लेकिन अंजाम के लिए मुझे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अंजाम? दुश्मनों की गोलियां मेरा काम तमाम कर देगी। देख रहा हूं कि खून बहने से कितनी तकलीफ होती है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी जिंदगी बचाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं स्कीम नंबर 3 पर काम करूंगी, और माला जिस काम में हाथ डालती है उसमें नाकामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं होती। माला, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए आगरे का ताजमहल। वाह वाह, चांदनी रात में कितना खूबसूरत मालूम होता है। ये देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार। जी हाँ, जो हिंदुस्तान में सबसे ऊंची इमारत है। ये कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बहुत अच्छा है। ये तो आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। वाह वाह, कश्मीर का डल लेक जहाँ पानी में शहर बसा है। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका एक स्केच बना दूं। जरूर, शुक्रिया। जरा इस तरह। ये लीजिए। अरे इतने जल्दी? जी हाँ, पसंद आया आपको? बहुत। मैं ये तस्वीरें खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खासकर ये ताजमहल जो मोहब्बत की अमर कहानी है। मैं भी किसी से मोहब्बत करती हूँ, दिलो जान से, बहुत ज्यादा। सच? कौन है वो? उसे आप जानती हैं। क्या नाम है उसका? दीपक, बस कंडक्टर दीपक। बहुत दिन पहले समुद्र के किनारे उससे मुलाकात हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मैं एक कलाकार हूं और आप एक अमीर बाप की बेटी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आप मुझसे मेरी जिंदगी न छीनिए। मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूं। अच्छा तो मैं चलती हूं।
एकदम तैयार। चलो तो नहीं आई? जी नहीं। तो फिर तकलीफ क्या है? मैं कैसे बताऊं आपको कि हम गुंडों ने समझ गया, समझ गया। गुंडागर्दी बहुत हो रही है, किसी गुंडे ने गड़बड़ की है क्या? हाँ। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी मुरम्मत करूंगा कि बेटा जिंदगी भर याद रखेगा। कौन है बदतमीज? तुम। मैं? हाँ। तुम मजाक कर रही हो? मजाक अपनों से होता है, गैरों से नहीं। मैं गैर हूँ? लेकिन बाबा मैंने किया क्या है? सब कुछ जानते हुए भी मासूम बनना चाहते हो? बताओ तुम्हारी कमीज कहाँ है? तुम कमीज से नाराज हो? अरे वो बाबा, वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी। ओहो, तुम गलत समझ रही हो आशा। वो गुंडे उस लड़की को तंग कर रहे थे तो मैंने उसे बचाया, उसके कपड़े फट गए थे तो मैंने उसको अपनी कमीज दे दी। ओहो, तेरे मन में क्या है गोरी? मन में तेरे क्या है बता दे गोरी, मन में तेरे क्या है? प्यार का एक नशा है, ले सुन ले छोरी, प्यार का एक नशा है। नजरे लड़ गई किसरे
शहर के एक रईस की लड़की का एक बस कंडक्टर के साथ रोमांस। मोतबर जरिया से पता चला है कि एक अमीर आदमी की पढ़ी लिखी लड़की आजकल एक बस कंडक्टर से इश्क फरमा रही है। ये उस दिन की फोटो से जी। नमस्ते जी, आपने देखा सेठ जी? मैं अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं देख सकता। गुस्से से ज्यादा रुपए में ताकत है सेठ जी। दीपक को आशा से नहीं आपकी दौलत से प्यार है। अगर आप हुक्म दें तो जिस तरह मैंने ये पोस्टर बाजारों में लगने से पहले खरीद लिए हैं, इसी तरह बस कंडक्टर को भी खरीद लूं। शुक्रिया। आइए। मैं जी? आइए, मैं आपको छोड़ दूं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी हरकत करने वाला कौन बदतमीज है? एक ऐसा इंसान जिसने दौलत के लिए अपनी इंसानियत को बेच डाला। आप उसका नाम बता सकते हैं? तुम उस पर बिगड़ रही हो और मैं अपनी चहेती बेटी का। पिताजी, बरसों से मैंने जिस बेटी को घर की रौनक, घर की इज्जत, घर का श्रृंगार बनाकर रखा, आज उसी बेटी की वजह से शर्म के मारे मैं किसी के सामने सर नहीं उठा सकता। बेटा, तुम इस घर की इज्जत हो, कलंक मत बनो। पिताजी, ऐसा मत कहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी इज्जत पर दबा कभी नहीं लगने दूंगी। पिताजी, कभी नहीं लगने दूंगी। ये छोटी सी रकम सेठ जी ने तुम्हारे लिए दी है, दूसरे शहर में तुम्हारे काम आएगी। 10,000 रुपए छोटी सी रकम? और मुझे उम्मीद है कि तुम आज ही रात यहां से चले जाओगे ताकि सेठ जी पे फिक्र हो जाए। कुछ समझ से काम लो मेरे दोस्त। 10,000 की रकम ठुकरा कर तुम अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो। सारी जिंदगी मेहनत करते मर जाओगे लेकिन इतनी बड़ी रकम देखने तक नसीब ना होगी। तुम चाहो तो मैं और ज्यादा दिलवा सकता हूं। 12,000, 14,000, 15,000, 1,00,000 भी नहीं। सुना था कि दौलत की तरह दौलत के पुजारी भी अंधे होते हैं। आज आंखों से देख लिया। इंसानियत को बिकते मैंने कई बार देखा था लेकिन एज ए राइटर मैं हमेशा यही सोचता हूं, यही महसूस करता हूं कि जो इंसान प्रेम और इंसानियत को बेच सकता है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। बुरी खबर लाया हूं सेठ जी, मैं तो उसे 15,000 तक देने को तैयार हो गया मगर उसने इनकार कर दिया। कहता है अगर 15,000 ही लेना होता तो उस दिन 20,000 का माल क्यों वापस करता। खानदान की इज्जत का सवाल ना होता तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर शरीफ आदमी को तंग करना भूल जाता। उस बदमाश ने उस दिन इस लेवर झूठ है, झूठ है। दीपक नहीं कर सकता, आपको धोखा हुआ। मेरा दिल कहता है कि उसे जरूर फंसाया जा रहा है। तुम चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी पिताजी, नहीं रहूंगी। बोलो बोलो, खामोश क्यों हो गई? जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो। बात की इज्जत रख रही है, खानदान की नाक कट रही है और तुम चले जाओ, चले जाओ।
से तो बेअलग होना ही अच्छा है। बसाने आई हूँ। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये छोटा सा कमरा तुम्हारा स्वागत करता है। कल सारी रात तुम मेरे सपनों में रही। दिल को दिल से राह होती है। तुम भी मेरी नींद में मेरे साथ थे। और फिर रात बीत गई और दिन को मुझे तुमने अपना लिया। मैं तुम्हें जरूर अपनाऊंगा आशा, लेकिन इस तरह नहीं। पिताजी की आज्ञा से हम दोनों की खुशी में उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता आशा, लेकिन इस तरह से हमारा मेल ठीक नहीं। तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं, वापस चली जाऊं? वापस जाऊंगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब यहां इज्जत के साथ आओगी तो हमेशा के लिए। आओ मेरे साथ। Thank you.
आशा देवी, आपके पिताजी आपको लेने आए हैं। दीपक बाबू, शरीफ घरानों की लड़कियों को भगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। हम जानते हैं दीपक आपको आज शहर से कहीं बाहर ले जा रहा है। ये झूठ है दीपक, तुम चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? झूठा। अपनी इज्जत का ख्याल न होता तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर देता। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं है? दीपक तो मुझे घर वापस ला रहा था, उसे पिटवाते हुए आपको जरा भी रहम नहीं। खामोश! मैं ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इस कदर दलील करोगे। खबरदार, जो घर से बाहर कर मैं था। बिटिया, मुझे भूख नहीं है। खाना छोड़ देने से मन का बोझ हल्का नहीं होता। आज मेरी आंखें इस घर को बर्बाद होते देख रही। जिस घर में खुशी नाचती थी, आज उसी घर में गम के बादल छा रहे हैं। बिटिया, सेठ जी ने जो कुछ तुम्हें कहा है तुम्हारे भले के लिए ही कहा है। तुम्हें सेठ जी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मानों में प्यार है जो आज से नहीं जन्म जन्म से है और हमेशा रहेगा। हमारा प्यार सच्चे मानों में प्यार है जो आज से नहीं जन्म जन्म से है और हमेशा रहेगा। हमारा प्यार सच्चे मानों में प्यार है जो आज से नहीं जन्म जन्म से है और हमेशा रहेगा। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। शंभुनाथ जी का तार है, वो मथुरा से आ रहे हैं। तुम तो जानते हो रामू, उनके खानदान की मुझ पर कितनी मेहरबानियां हैं। मेरा इतना बड़ा कारोबार सब उन्हीं की बदौलत है।
आ रहा हूं। मैं स्टेशन पर जगदीश के साथ जाऊंगा, तुम जरा घर का ख्याल रखना। दीपक भैया अभी जल्दी चलो जी, अभी हमारा शादी है। तू तो घोड़े पे सवार हो गया है। मेरी तो तार आई है भाई, तार। भैया बाहर है, मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। कंचन की माँ मान गई? अयो मानेंगे कैसा नहीं जी, ये काय के वास्ते? काय के वास्ते जी? कंचन का माँ नहीं मानेगा ना तो उसका गर्दन। एक बात बोलता है इतना भैया, कंचन का माँ ताली बार-बार करता है, उसको एक छोटा चूहा दिखा दो डर के नाचने लगता है जी। एक कथकली भरतनाट्यम जो कौन है जी, शादी का कपड़ा है। शादी के अयो कोईगा क्या जी, तुम्हारा हाँ माँ हमको झाड़ू से मारा, अभी जल्दी शादी का मंदिर पे जाओ जी। अये जो आता ना, बिटिया रानी, बिटिया रानी, बिटिया रानी, सेठ जी दीपक को भी अपने साथ गाड़ी में लाए हैं। दीपक, आशा बेटा, दीपक तो अपना ही लड़का निकला, वो अपना शौक पूरा करने के लिए बस कंडक्टर बना है। सच पिताजी? हाँ हाँ, वो अपने सेठ शंभुनाथ जी का छोटा भाई है और उनके पिताजी के हम पर बहुत एहसान है। बेटा तू सच कहती थी बेटी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अयो दीपक भैया इधर आओ। श्याम सुंदर मुबारक हो। थैंक यू मुबारक, जगह अच्छी चुनी है। अम्मा इधर का पब्लिक बहुत अच्छा है जी, कोई गलाटा नहीं करता। अभी तुम्हारे वास्ते में हम लोग इधर डांस रखा, गाना रखा, बाजा भी बजेगा। बोलो देखो हमारे आइए, आज दूर से ना तड़पाइए, याद में तेरी रात रात भर दिल से निकले आए। अबले पास हमारे आइए, आज दूर से ना तड़पाइए, याद में तेरी रात रात भर दिल से निकले आए। अबले 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 हाथ में जो हो जाइए ना, सब सुहाग दिखलाइए, अरे झूठ तो बोले बात बात में शर्म न तुझको आए। ओ, जिस दिल में किसी का प्यार नहीं वो पत्थर है, दिलदार नहीं। सोने काहे को तरसाए। अबले पास हमारे आइए, आज दूर से ना तड़पाइए, याद में तेरी रात रात भर दिल से निकले आए। Thank you.
कह जहां गोरिए ओए गन्ने दिए बोरिए तू हो जिसके साथ साथ वो मात कभी ना खाए बोले 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 कह जहां गोरिए ओए गन्ने दिए बोरिए तू हो जिसके साथ साथ वो मात कभी ना खाए दो चार दिन के लिए हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी काम है। हाँ, पंडित जी का कहना है कि दोनों की जन्म पत्रियों से ऐसा मालूम होता है कि जैसे दीपक और आशा जन्म जन्मांतर के साथी हैं। आज आपका खानदान मुझ पर फिर एहसान कर रहा है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल मैं आगरा वापस जा रहा हूँ, आप सगाई की तैयारी कीजिए, शादी की तारीख निकलवा कर मुझको खबर दे दीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी तो चाहता था कि आप कुछ रोज और यहाँ ठहर जाते। मैं सगाई के लिए तो जरूर ठहर जाता लेकिन नए शुगर मिल की ओपनिंग करी होंगे। अच्छा, कितनी सुंदर लग रही है, लाल चढ़ी खूबसूरत करती थी। ये शेवानी चढ़ी ले रही हूँ जी। हाँ, बाहर चढ़ी बस कंडक्टर के बाद हो जाए। अरे कहा था शिवानी आई तो शेठ जी भी तक नहीं आए। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मैं अभी फोन करती हूँ। दोस्तों फोन करो। हेलो पिताजी, यहाँ आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी आइए ना। बस चल ही रहा हूँ। ये रहा डायमंड सेट सेठ जी, सारा जवेरी बाजार छान मारा, बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये जड़ाऊ अंगूठी बहुत अच्छी है। और ये हीरे की बैंगल्स, हाउस द चॉइस सेठ जी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू सेठ जी। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, माय बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू, थैंक यू। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। जी हाँ, बहुत मुबारक सेठ जी। चलिए चलो। कौन है ये लोग? जी मुझे नहीं मालूम। इनसे कह दो कि आज मैं इनसे नहीं मिल सकता है। अच्छी बात है। देखिए सेठ जी, आज आपसे नहीं मिल सकेंगे, जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। आप लोग दो चार दिन के बाद तशरीफ लाइए। जगदीश, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं ही जगदीश हूं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इसे पहचानते हो? नहीं। मुझे भी नहीं पहचानते। कहां मुलाकात हुई थी आपसे? जगदीश, क्या तुम आज अपने पिता को भी नहीं पहचानते? मेरे पिताजी को स्वर्गवास हुए तो आज 20 वर्ष हो चुके हैं, काश कि आज वो जिंदा होते। आइए सेठ जी। अरे मैं बिहारी लाल हूं, ये तुम्हारी बीवी राधा है। वो बेहया, तुम इस कदर बदल गए कि हमें पहचानते भी नहीं। आप बुजुर्ग हैं इसलिए आपकी शान में मैं कोई गुस्ताखी करना नहीं चाहता। सेठ जी, यह आदमी मुझे कोई पागल मालूम होता है जो खामखा मुझे बदनाम करना चाहता है। लड़की, इस बदहवास बुड्ढे को ले जाओ यहां से। ऐसा न कहो ना, बड़ी उम्मीद लेकर गांव से आई, मुझे ठुकरा दो मगर अपने पिता को अपना लो। लड़की, ये क्या ढोंग रचा रही है?
आओ हम खुद ही यहां से चले चले। आज के बाद मैं भी इसकी सूरत नहीं देखूंगा, मेरे लिए यह मर चुका। ऐसा ना कहिए। आज एक बेटे ने अपने बुरे बाप को दलील किया, भगवान तुझे इसकी सजा दे। ऐसा नहीं कहिए पिताजी। जगदीश, जगदीश, सारा भेद खुल गया आज। ऐसे नालायक का मेरे घर में जन्म ही क्यों हुआ? खेत, मकान, क्या कुछ बेचकर मैंने उसे नहीं पढ़ाया लिखाया, से पाल पोस कर बड़ा किया। क्या इसी दिन के लिए कि वो मुझे कहे कि तुम मेरे पिता नहीं हो? ईश्वर करे। बाप की इज्जत निकली भैया। पिताजी, पिताजी, आपको मेरी कसम। नहीं वैसी नहीं, तुमने अपनी कसम देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। हे भगवान। ओ बाबा, बाबा, क्या हुआ इन्हें? चलिए पिताजी। ये मेरा बेटा है और ये इसकी बहू। जुदाई का हमें कितना अफसोस है। दिलासा देते हुए कईयों ने कहा कि यह फानी दुनिया है, इस फानी दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। आशा देवी, आप तो जानती ही हैं कि सेठ जी के मुझ पर कितने एहसानात हैं, मैं उन एहसानों को कैसे भूल सकता हूं। सेठ जी कहा करते थे कि सुबह की हर किरण नई उम्मीद लेकर आती है। उम्मीद जिंदगी है, जिंदगी वक्त, और वक्त हर इंसान को यही कहता है कि अपना कर्तव्य किए जाओ। दीपक।
घर में किसी का जोर नहीं चलता आशा, जो से मंजूर होता वही होता है ना। अच्छा चाय लीजिए। मैंने तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश की, सब तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई किए लेकिन तिजोरी नहीं खुली। तो मतलब यह हुआ कि हमें नंबर मालूम करना होगा और हम मालूम करके ही रहेंगे। जरूर। तो सात के बाद कौन सा नंबर है याद करके बोलो। तुम्हारी तिजोरी का नंबर क्या है? तिजोरी जिसमें चढ़ाऊ अंगूठी रखी है, उसमें मेरी बेटी का जड़ाऊ हार भी है। हाँ, उसी तिजोरी का नंबर क्या है? मैं कहा बोलो, जगदीश। हाँ। जलील कभी नहीं, तेरी ये मुराद कभी पूरी ना होगी। तो तुम्हें भी जिंदगी से हाथ धोना होगा। बोलो बोलो, अभी वक्त है, तिजोरी का नंबर बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। क्यों नहीं देती? बुत की तरह खामोश क्यों? मैं उस इंसान से मिलने आई हूं जिसे मैंने एक दिन प्यार किया था, लेकिन प्यार के नशे में उसे पहचान न सकी। माला, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो इंसानियत से किस कदर गिरा हुआ। पता मत। पांच साल से झूठे वादे करके मुझे बनाने की क्या जरूरत? बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। एक मजबूर बाप जिसे उसके होनहार बेटे ने बाप कहने से इनकार कर दिया, एक बेबस लड़की जो अपने पति की तस्वीर को बरसों से सीने से लगाई हुई थी कि शायद वो लौट आए, लेकिन खामोश। चले जाओ यहां से। कल तक जो हाथ इस गले का हार बनना चाहते थे, वो आज इसे दबा देना चाहते हैं। आज माला का हाथ उठा है, कल जुबान भी चल सकती है। वो जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। Thank you.
एक और आया, अपनी भी एक और चलिए गुरुदेव, एक और आया, ये मारा पापड़ वाले ने, ये जल्दी जल्दी एक चाल अपनी, एक मैं भी आया, अपना तो ब्लाइंड नहीं, चलिए बैठो बैठो। मुझे शक है कोई बाहर का आदमी यहां आया है, जाने ना पाए। सच्ची मैं आ गया हूं आपको लेने के लिए। कौन? मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तंग मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं कर आप मुखी हो जाते, मुझे बताओ बता दे। Thank you.
कहाँ जाता है? कहाँ जाऊंगा? उस रोज मैंने भी ठान लिया था कि मेरा कोई बेटा नहीं, तो इंसानियत का दुश्मन है, तो जैसे शैतान का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं। पुलिस, पुलिस मेरा पीछा कर रही है पिताजी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए। मैं जानता था एक दिन तेरा यही अंजाम, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है बेटा।
मैं अपनी सबसे बड़ी दौलत तुम्हें सौंप रहा हूँ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। हम तो चले झूम के धरती कहीं आसमां को चूम के, ऐसे करो नाम ऊंचा प्यार का, आ गया है वक्त अब बहार का।